हिंद एवरीवन, आप सबका अनिल नरोला आईएएस स्टडी सेंटर पर स्वागत है। G20 की मीटिंग खत्म हो चुकी है एंड उसके बाद आप देखते हैं कि दिल्ली डिक्लेरेशन निकल कर आई एंड बहुत पॉजिटिव आउटकम्स निकल कर आए। उसमें से एक यूक्रेन वाला इशू था जो बहुत ही आराम से यहाँ पर विदाउट नेमिंग द रशिया यहाँ पर रिजॉल्व करने की कोशिश की। नंबर टू, अगर मैं बात करूं आपसे तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के यहाँ पर आया, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। नंबर थ्री कहूं तो दिल्ली डिक्लेरेशन निकल कर आई। नंबर फोर अगर मैं कहूं तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर निकल कर आया। नंबर फाइव, G20 G21 हो गया अफ्रीकन यूनियन ऐड होने के बाद। अफ्रीकन यूनियन के बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे, वो इंडिया के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल होगा आने वाले टाइम में, बिकॉज इस साल 30 साल पूरे हुए हैं इंडिया अफ्रीका के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को भी। एंड यूएनएससी के रिफॉर्म्स की बात दोबारा से इसमें उठी, जिसमें यहाँ पर यूएस के प्रेसिडेंट ने कहा कि हम रेडी हैं। एंड यूएनएससी में अगर आपको सबको पता है तो यूएनजीए की यहाँ पर मेजोरिटी चाहिए होती है एंड यहाँ पर फाइव वीटो जो कम यहाँ पर कंट्रीज हैं उनकी भी यस चाहिए, तो 55 मेंबर्स अफ्रीकन यूनियन हमें वहां पर बहुत यूजफुल होने वाला है। इस कॉरिडोर की बात कर लें तो ये कॉरिडोर की बातें मई 2023 में जब मिस्टर अजीत डोवाल यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यहाँ पे अपने काउंटर पार्ट यूएस से मिलते हैं तब से स्टार्ट हो चुकी थी मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट एंड द शिपिंग यहाँ पर द कॉरिडोर। तो इस कॉरिडोर के थ्रू कहीं ना कहीं यहाँ पर चाइना के BRI यहाँ पर उसको भी काउंटर किया जाएगा। एंड आप सबको पता है इसमें सऊदी अरेबिया आ रहा है, सऊदी अरेबिया के साथ इंडिया के रिलेशन लगातार अच्छे होते जा रहे हैं। एंड बट ये जिस लोकेशन से जाना है, दैट इज इसके दो कॉरिडोर हैं, एक है ईस्ट कॉरिडोर जो कि भारत को पहले वेस्ट एशिया से जोड़ेगा, उसके बाद इसका नॉर्थ कॉरिडोर है जो वेस्ट एशिया से यूरोप में जाएगा। कुछ दिन पहले आपने देखा था प्राइम मिनिस्टर साहब ग्रीस में गए थे एंड वहां पे एक पोर्ट की बात की थी, पीरियस पोर्ट की बात की थी, बिकॉज ईरान के वहां पर अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में लगातार डिस्प्यूट चल रहे हैं एक कॉरिडोर के लिए एंड उस कॉरिडोर के थ्रू ही हमारा सामान यूरोप में जाता था, तो क्वाइट ऑब्वियस है। उसके बाद एथेंस की यहाँ पर जो गेटवे ऑफ द एथेंस है, दैट इज अ पीरियस पोर्ट, वहां पर प्राइम मिनिस्टर साहब बात करके आते हैं। नाउ दिस इज द नेक्स्ट मूव जिसके थ्रू यूरोप में जाएंगे। अब इसमें एट प्रेजेंट ये कहा गया है जो अभी एट प्रेजेंट एग्जिस्टिंग पोर्ट्स हैं उन्हीं को यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसराइल में अगर आप बात करें तो हैफा पोर्ट है। इसराइल और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस अच्छे नहीं है बट इसके बाद यहाँ पर ये कहा गया है कि एग्जिस्टिंग पोर्ट्स को यूज किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत तगड़ी विन विन सिचुएशन हुई है इंडियन डिप्लोमेसी की। ओके, नाउ देयर इज इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर। मई 2023 में अजीत डोवाल जी इसके लिए पहले से ही यहां पर यूएसए के काउंटर पार्ट से बात कर रहे थे। ओके, पीएम मोदी अनाउंस दैट द लॉन्च ऑफ इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर ऑन द साइडलाइंस ऑफ G20 समिट। एंड आपने देखा आज ही इटली के यहां पर प्राइम मिनिस्टर मैम ने बोला है कि हम जो चाइना का प्रोजेक्ट है, दैट इज द BRI, जिसके अंतर्गत वो कमर्शियल और मिलिट्री पोर्ट्स बनाने की कोशिश करता है, उससे बाहर निकलने के लिए बोला है इटली ने, जस्ट आफ्टर द G20 मीटिंग हेल्ड एट न्यू दिल्ली। तो कहीं ना कहीं BRI को ये क्या कर रहा है, काउंटर करने जा रहा है। एंड CPEC कहीं ना कहीं जो मोटिव है उसका डाइल्यूट होगा, पाकिस्तान को यहां पर बाईपास होता हुआ ये यहां पर यूरोप में जाएगा। ओके, इट इंक्लूड्स इंडिया, UAE, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड USA। आप देख रहे हैं कितना डेडली कॉम्बिनेशन बनाया गया है एंड कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि भारत और USA यहाँ पर इकट्ठे बैठ के मिडिल ईस्ट में काम कर सकते हैं। एंड सऊदी अरेबिया और इजराइल का थोड़ा सा इशू था बट उसको भी सॉर्ट आउट कर दिया गया है। ओके, नाउ इसके दो कॉरिडोर आ रहे हैं, मैंने आपको बताया ईस्ट कॉरिडोर जो कि इंडिया को यहाँ पर वेस्ट एशिया से कनेक्ट करेगा, उसके बाद नॉर्थ कॉरिडोर जो वेस्ट एशिया को यूरोप से कनेक्ट करेगा। एंड दिस कॉरिडोर विल इन्वॉल्व रेलवे नेटवर्क। नंबर वन, सबसे पहला इसमें रेलवे नेटवर्क बनाया जाएगा इन द मिडिल ईस्ट के अंदर रेलवे नेटवर्क। उसके बाद फर्दर अगर मैं बात करूं तो शिपिंग पोर्ट्स को यूज किया जाएगा टू कनेक्ट इंडिया विद द यूरोप वाय अ मिडिल ईस्ट, पहले रेलवे देन उसके बाद शिपमेंट पोर्ट्स को। This is expected to stimulate the economic development. Quite obvious है, पूरे के पूरे रूट पर economic development होने वाली है after this project come in the existence.
एंड BRI के प्रोजेक्ट को यहां पर बहुत तगड़ा धक्का लगने जा रहा है. ओके, व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट? द पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट PGII, उसके अंतर्गत इसको यहां पर लाया गया है. यहां पे द रेल एंड द शिपिंग कॉरिडोर इज द पार्ट ऑफ PGII. एक ही कलेक्टिव एफर्ट्स है G7 नेशंस का टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को यहां पर प्रमोट करने के लिए. व्हाट इज दिस डेवलपिंग नेशन जिसके लिए लगातार प्राइम मिनिस्टर साहब यहां पर उठा रहे हैं, दैट इज द ग्लोबल साउथ. ग्लोबल साउथ के लिए सबसे पहले इंडिया ने ही इनिशिएटिव लिया था January 2023 में. दिस प्रोजेक्ट इज कॉल्ड अ ग्रीन एंड डिजिटल ब्रिज अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स एंड सिविलाइजेशन. बहुत बड़ी बात यह कही गई है कि कहीं ना कहीं ये ग्रीन और डिजिटल ब्रिज होगा. ओके, रूट क्या है मैंने आपको बता दिया ये, ठीक है, दैट इज इंडिया से वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया से यूरोप. दिस सीक्स टू बोल्स्टर ट्रेड बिटवीन द इंडिया, मिडिल ईस्ट एज वेल एज द यूरोप. तीनों कंट्रीज में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट यहां पर बढ़ने जा रहा है. इट विल एस्टैब्लिश अ मॉडर्न डे स्पाइस रूट. जो मॉडर्न डे स्पाइस रूट है कहीं ना कहीं उसे रिवाइव करेगा. टू बाइंड द रीजन्स दैट अकाउंट्स ऑलमोस्ट फॉर अ थर्ड ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी. कहीं ना कहीं जो स्पाइस रूट है उसको ये रिवाइवल देगा, द मॉडर्न डे दिस स्पाइस रूट. ओके, दिस विल इंक्लूड अ रेल लिंक एज वेल एज द इलेक्ट्रिसिटी केबल, हाइड्रोजन पाइपलाइन एंड हाई स्पीड डाटा केबल. ऑप्टिकल फाइबर की भी बात करी गई है, इस पूरे रूट में होगी. वन प्रपोज प्रोजेक्ट वुड लिंक रेलवे एंड द पोर्ट फैसिलिटेशन अक्रॉस द मिडिल ईस्ट इंक्लूडिंग UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन एंड इसराइल. आप देख रहे हैं इसराइल के सऊदी अरेबिया के रिलेशन अच्छे नहीं है, बट यहां पर इसकी ये बहुत बड़ी विन विन सिचुएशन है यहां पर, जिसमें कहा गया है कि एग्जिस्टिंग पोर्ट्स को यहां पर यूज किया जाएगा. दिस विल स्पीड अप द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप अप टू 40%. भारत और यूरोप के बीच में ट्रेड 40% इंक्रीज कर देगा. अब सबको पता है ईरान वाली साइड से थोड़े इश्यूज आने स्टार्ट हो चुके थे, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ग्रीस में भी जाते हैं पीरियस पोर्ट. नाउ सिग्निफिकेंस किस तरीके से है? नंबर वन इज द गेम चेंजर. सबसे पहले तो यही कह रहा है कि जो चाइना की जो वाइड रेंज यहां पर स्ट्रैटेजी चलती है कि पहले पैसा दो, पैसा उनको पता है वापस नहीं आएगा, उसके बाद उनके पोर्ट्स के ऊपर अपना यहां पर कब्जा कर लो, दैट इज कॉल्ड डेट ट्रैप डिप्लोमेसी. तो डेट ट्रैप जो डिप्लोमेसी चल रही थी BRI की, OBOR जिसका बाद में नाम BRI कर दिया गया, यहां पर उसको ये क्या करने वाला है, चैलेंज करने जा रहा है. दिस कॉरिडोर विल इंक्रीज द प्रॉस्पेरिटी अमंग द कंट्रीज इन्वॉल्व्ड बाय इंक्रीजिंग द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड डिजिटल कम्युनिकेशन. ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, रेलवे नेटवर्क्स हैं, हाइड्रोजन पाइपलाइन है. तो आप देख रहे हैं कि यहां पर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी इन पूरे की पूरे रीजन्स में, कंट्रीज में, जहां जहां से ये कॉरिडोर पास होगा. will help to address the lack of infrastructure and needed for the lower and middle income nation. जो भी बीच में middle income nations हैं, वहाँ पर जो भी ये infrastructure वाली problems आ रही थी, वो sort out होगी because economic development होगी. It will help establishing that region as a hub for economic activities instead of as source of challenge conflict. वो region जहाँ पर अभी तक एक conflict चल रहा था, crisis चल रहा था, इसके बाद क्वाइट ऑब्वियस है यहां पर डेवलपमेंट होगी वहां पर, एंड उस रीजन को एक हब बनाया जाएगा फॉर द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आल्सो. तो जितने भी कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हो गए, जहां पर अभी क्राइसिस चल रहे हैं या कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ये अपने आप धीरे धीरे आप देखेंगे कि सॉर्ट आउट होगा थ्रू दिस इनिशिएटिव. नंबर टू, काउंटरिंग चाइना. दिस प्रोजेक्ट कम्स एट अ टाइम व्हेन सऊदी अरेबिया एंड UAE, बोथ एलाइज ऑफ USA, हैव बीन स्ट्रेंथनिंग देयर टाइज विद द चाइना. ये उस टाइम पर आया है जब उन दोनों कंट्रीज के साथ चाइना भी इंगेज करने की कोशिश कर रहा है. दिस कंट्री सीक्स टू इनहांस रिलेशन विद रैपिडली ग्रोइंग ईस्टर्न इकोनॉमीज. चाइना हैज बूस्टेड टाइज विद द मिडिल ईस्ट ऑफ लेट, हेल्पिंग टू ब्रोकर डील विद सऊदी अरेबिया एंड ईरान. पहले चाइना ने सऊदी अरेबिया और चाइना इसके ईरान के बीच में जो यहाँ पर जो डील हो रही थी उसको ब्रेक करने की कोशिश करी. चाइना लगातार इनके रिलेशन अपनी स्ट्रॉन्ग कर रहा है. During BRICS summit, आपने देखा, the oil-rich Gulf states announced that their intention to join the grouping with China playing a leading role in this move. यहाँ पर इस बार आपको पता है तीन countries add भी हुई हैं, ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE. तो कहीं ना कहीं China का भी वहाँ पर major role है उनको add करवाने में. This plan is being seen as
an ambitious effort by the Washington to counter China's BRI that sought to connect more of the world to its country's economy. तो अब पता है यूएसए को कि चाइना के ये इनिशिएटिव चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो इनिशिएटिव यूएसए ने भारत के साथ और जो बाकी सारी कंट्रीज मिली हैं इसमें, ये चाइना की इसको बीआरआई को यहां पर काउंटर करने जा रही है. ऑफ लेट चाइना बीआरआई हैज बीन फेसिंग अ सीरीज ऑफ ट्रबल्स ड्यू टू राइजिंग लोन डिफॉल्ट्स एंड स्लोइंग डाउन ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स. चाइना लगातार आप देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट्स कम हो रही है एंड ड्यू टू द राइजिंग लोन डिफॉल्ट्स, लोन डिफॉल्ट्स लगातार बढ़ रहे हैं उनके, तो बीआरआई कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो डाउन है. Okay, significance for the India. India was anxious about China's connectivity. Main to India China ke liye us pe hi hai connectivity jo chal rahi hai under its BRI. It was also frustrated by Pakistan's refusal to allow overland access CPAC. Aap dekh rahe hain kis tarike se hamare region ke beech mein se CPAC wala yahan par corridor aa raha hai. Its quest for credible connectivity throughout its Iran in the Eurasian landmass did not yield much result. सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अभी तक शबार पोर्ट यहां से यूरोप में एंट्री करने की कोशिश करी जा रही थी, बट जब से अर्मेनिया और अजरबैजान के इश्यूज चल रहे हैं यहां पर इंडिया के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी. उसके बाद ही देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ग्रीस में जाते हैं एंड ग्रीस में पीरियस पोर्ट के ऊपर यहां पर बात करके आते हैं, बिकॉज पीरियस पोर्ट के थ्रू आप यूरोप में एंट्री कर सकते हैं. ओके, तेहरान इज मोर ओपन टू इंडिया बट इट्स कन्फ्रंटेशन विद द वेस्ट कोस्ट हैज अ शैडो ओवर इट्स कमर्शियल यूटिलिटी. यहाँ पर यूएसए ने भी सैंक्शंस लगा रखे हैं, अर्मेनिया अजरबैजान के भी यहाँ पर पंगे चल रहे हैं, ठीक है. अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप इंडिया फाइनली फाउंड अ फॉर्मूला टू कनेक्ट टू बोथ अरेबिया एंड यूरोप. अब दोनों तरीके से कनेक्ट हो गए, आप अरेबियन पे भी हो गए, मिडिल ईस्ट पे भी हो गए एंड उसके थ्रू आप यूरोप में भी हो गए. ओके, नाउ ब्रेकिंग द मिथ दैट इंडिया यूएसए वॉज नॉट कैनॉट वर्क टूगेदर. ये मिथ तोड़ देगा ये कॉरिडोर कि भाई भारत और अमेरिका इकट्ठे मिडिल ईस्ट में काम नहीं कर सकते. The conventional wisdom in Delhi said India and USA might work together in the Indo-Pacific but had little in the common in the Middle East. ये कहा जाता था कि भाई Indo-Pacific quad group बना हुआ है, वहां तो ये काम कर सकते हैं पर Middle East में थोड़ा सा issue रहेगा. ये myth भी तोड़ दिया. That myth was broken when India and USA joined hands with Israel and UAE to set up I2U2 forum to develop a few economic projects. आप सबको पता है पैलेस्टीन यहाँ पर और इसराइल के इश्यूज रहते हैं, इसराइल और सऊदी अरेबिया के रहते हैं. यहाँ पर I2U2 यहाँ पर दिखा दिया गया है कि ये सारे मिथ्स हैं. दे आर वर्किंग टुगेदर फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. द इंडो अरेबिया यूरोपा कॉरिडोर कुड टर्न टू बी अ फार मोर कॉन्सिक्वेंशियल ब्रेक्स द पाकिस्तान वीटो. सिंस 1990 इस्लामाबाद वॉज एडमेंट इन रिफ्यूजल टू लेट इंडिया गेन एक्सेस टू landlocked Afghanistan and the Central Asia. Pakistan ko hardam lagta hai ki wo yahan se Afghanistan ke liye access Bharat ka rok sakta hai. Bharat ne pehle to yahan pe Gwadar port ke paas Chabar port khola. Chabar port mein bhi thode bahut issues aa rahe the Central Asia ke liye, to Bharat ne dusre routes bhi apna liye hain Europe mein entry karne ke liye through Greece. And ye ek aur ab la diya hai Mumbai se, jab Europe mein aap entry karenge bypassing the Pakistan. तो पाकिस्तान का जो ये मिथ था कि उनकी ये वीटो चल रही थी कि भाई हम अफगानिस्तान में एक्सेस को यहां पर रोक सकते हैं भारत को, ये भी अब टूट जाएगी. सो ये पूरा का पूरा जो कॉरिडोर है इंडिया के लिए बहुत हर सिचुएशन में विन विन है. नाउ इंडिया स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट विद द अरेबियन पेनिनसुला. अपने आप यहां पर इंडिया की जो एंगेजमेंट है अरेबियन पेनिनसुला के साथ वो इंक्रीज होगी, ट्रेड होगा, इन्वेस्टमेंट होगी, इकॉनमी बढ़ेगी. इंडियन गवर्नमेंट नाउ हैज अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड connectivity between India and Arabia. The current project will restore India's role as a driver in shaping regional connectivity. Regional connectivity करने का सबसे अच्छा मौका आ चुका है अब भारत के पास through this corridor, जहां से ये जितनी भी conflicting regions हैं Middle East की, इनका भी फायदा होने वाला है यहाँ पर, बिकॉज डेवलपमेंट होगी एंड यूएसए चाहता है कि उन रीजन्स में डेवलपमेंट हो, इसलिए इंडिया और यूएसए इकट्ठे मिलकर यहाँ पर आए हैं. एंड आपने देख भी लिया होगा G20 में इंडिया का स्टैंड बहुत स्ट्रांग है एंड इंडिया G20 के बाद वैसे ही यहाँ पर बहुत स्ट्रांग स्टैंड के साथ यहाँ पर आ चुकी है, बिकॉज ग्लोबल साउथ की कंट्री इतनी स्ट्रांगली अभी तक कोई भी G20 की मीटिंग को हेल्ड नहीं कर पाई है. एंड इसके बाद जो है हमारा एक और रह गया है यूएनएससी की रिफॉर्म्स. ऑल्दो बार बार ये कहा जा रहा है कि G20 की मीटिंग के बाद इंडिया का स्टैंड इतना स्ट्रांग हो चुका है अब
कि शायद आने वाले टाइम में यूएनएससी का परमानेंट मेंबर भी इंडिया बन जाए। आई होप आपको कॉरिडोर की पूरी यहां पर इंप्लीकेशन समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से स्ट्रैटेजिकली इंडिया के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ऐसी और नॉलेजेबल सेशंस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।